Hey guys, do you speak English? Yes. Actually, I'm recording a vlog for YouTube. So would you mind if you tell me the experience of the place? We are looking for some people जो हमें एक्सपीरियंस बता सकें, बट इधर बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, कोई मिल नहीं रहा है। गया था। कितने टाइम आप इधर रुकने वाले हो अभी? और भी 2-3 महीने रुकेंगे। दो तीन महीने क्या प्लान है आपका, क्या करोगे? From where you have came, like, Bangkok. Yes, Thailand. We are Buddhist. बाकी लोगों को कुछ बताना चाहोगे आप, जिन क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता था इधर के बारे में। मुझे पता नहीं था बिहार में ऐसा कुछ जगह भी है। हमें भी नहीं पता था, हमें पहली बार हुआ है, पहली बार हम देखने आए तो पहली बार हुआ है, हमको भी पता। बहुत अच्छा लगा ये टेम्पल तो, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा, पूरे बिहार में फर्स्ट नंबर पे। इंडिया इज वेरी नाइस, सो आई थिंक आई लव इंडिया। थैंक यू सो मच आप सबका एक्सपीरियंस बताने के लिए। तो मैं आ गया हूँ बोध गया, और हमारे पीछे महाबोधि मंदिर, ठीक है। और क्या कमाल की जगह है, इधर पर पूरे मंक्स का हब है, मतलब जितने भी सन्यासी होते हैं एंड ऑल। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि बिहार में ऐसी कोई जगह भी होगी इतनी अलग। आपका नाम? मेरा दीपा ठाकरे। तो कहाँ से हो आप? मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, नागपुर से अभी कुछ हाँ, बहुत सारे लोग आए थे। नागपुर से हूँ, हम यहाँ पे ट्रैवल करने आए हैं, बुद्ध के जो कुछ भी स्टैचू है देखने आए हैं, और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिला। सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा क्योंकि हम तो बुद्ध के दर्शन किए, लेकिन हमें जो बुद्ध के यहाँ से ये जो गिफ्ट मिला है, बुद्ध को चढ़ाए हुए जो वस्त्र हमें मिले हैं, उससे हम बहुत खुश हैं। अच्छा, तो आप कितनी बार आ चुके हैं? हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। तो किसने रेकमेंड किया था इधर के बारे में, किसने बताया? किसी ने बताया नहीं, जैसे टूर्स एंड ट्रैवल्स जो चलता है उसी के कारण हम यहाँ पे आए हैं। आप भी एक चैनल पे आ जाओगे टूर आपको देख के कई सारे लोग आने वाले हैं। बहुत अच्छा है, आना चाहिए। और यहाँ पे आके स्पेशली बिहार में हाँ। और जैसे बोलो ये क्या बोलते हैं, अपने बुद्ध के जितने भी नजदीक पास है हाँ। सब तो यहाँ पे आके सही में लगता है कि अगर यही प्रचार नागपुर में रहता तो बहुत कुछ आगे जा सकता था, लेकिन यहाँ पे मानो जैसे फॉरेनर के वजह से ये यहाँ पे टिका है, बाकी जो यहाँ पे जो स्थाई है वो तो पूरा इसके खत्म करने के समय का। कितने टाइम के लिए आप इधर, कितने दिन? हम तो अभी आए हैं, अभी कल सुबह निकल जाएंगे। एक दिन के लिए बस? एक दिन के लिए हम कर लिए। अब एक नया फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाला है 2-3 महीने। नहीं, हम नहीं रुक सकते ना, हमारा क्योंकि टूर्स एंड ट्रैवल्स का है, 15 डेज का है। यहाँ पे हमको ऑलरेडी 2-3 दिन हो चुके हैं। अभी तो महाराष्ट्र या कहीं और जाओ? नहीं नहीं, हम जाएंगे नेपाल, लुम्बिनी, ये जा रहे हैं, दार्जिलिंग। तो आप मतलब कितने टाइम के लिए निकले हो? 15 डेज के लिए। हाँ, तो आप सब लोग सब मिलके है। तो नेपाल भी आपको सिर्फ बुद्धिस्ट उधर? ये हम बुद्धिस्ट का ही जानने के लिए आए हैं क्योंकि हम बुद्ध है हाँ। बुद्धिस्ट है तो अपने कल्चर के बारे में, अपने कल्चर के बारे में देखने आए हैं, पुरातत्व जो कुछ भी है उसको जानने आए। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? Okay, my name is Phanakan. I'm from Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand. Yes, okay. Okay, so from how many days you are here? 9 days. Tomorrow we go back to Bangkok. Achha, tomorrow you are going? Yes. So how was the experience and why you have came for 9 days staying here? So I found that it's very peaceful when I come here because it is my third time to visit India. Okay. Yes. So how was your experience overall in these 9 days? So I found that I found myself about peaceful when I walk around and I meditation around for the whole day at the Buddhakaya and the Bayan tree. Are you looking for your purpose, like searching for your purpose? Is this so? Purpose or like a purpose of living life, why we are living and all? Oh, you mean how did I find Indian lifestyle, right? No. Everyone lifestyle. It's okay because India is very nice. So I think I love India. Okay. Okay. So Nagpur, Maharashtra. Nagpur, Maharashtra. So कैसा लगा आप? कितने time से हो इधर? बहुत अच्छा लगा। क्यों आए हो मतलब इतनी दूर से आप महाराष्ट्र? भगवान बुद्ध को हम बहुत मानते हैं। अच्छा, आप बुद्धिस्ट हो? हाँ। Okay. So like क्या खास बात लगी जो आप मतलब सबको बताना चाहोगे इधर के बारे में? दीवा, पिंपर का पान हाँ, और उसमें शांति। अच्छा, इधर पर शांति काफी ज्यादा अच्छी, बहुत अच्छी। आपका नाम? ऐश्वर्या मिश्रा। ऐश्वर्या, तो लाइक बुद्धिस्ट की सबसे अच्छी टीचिंग क्या लगती है आपको जो उन्होंने सबको सिखाई है? मानवता धर्म। मानवता धर्म। हाँ।
कुछ और बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, लाइक जो इतना रिलीजन को नहीं जानते, बुद्धिस्ट को नहीं जानते? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये बुद्धिस्ट जो अपना धर्म है वो सबको अपनाना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे वजह? इसके पीछे यानी इसके पीछे वजह है कि उनको ये मानवता धर्म है, इसमें मुझे कोई धर्म का इससे कोई मतलब नहीं है और इसमें शांति करुणा सब मिलता है। So, can you tell me how was the experience of this temple? It came here five times. Yeah. This time we come to practice. Okay. Yeah. Meditation practice. We stay here for 5-6 days. From how many times you are staying here? 6-7 times. Yes. Okay, and how was your experience all over? Over, I think this is good place because of Buddha. Yeah. Enlightened here, right? What do you like the most about Buddha? His principles and actually we should come and pay respect to the Buddha. Yeah. That's why we come here. This is the best place because Buddha enlightened. From he became from where you have came, like Bangkok. Yes, Thailand. We are Buddhist. Chale. Yes. Nice to talk with you and thank you so much. Thank you. For the thank you. सो जैसे कि बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई उन्होंने बोला, बट बहुत सही था एक्सपीरियंस, यानी लोगों को पसंद आता है, इतने लोग दूर दूर से आ रहे हैं बैंकॉक एंड ऑल थाईलैंड, तो इट विल बी अ गुड प्लेस एंड काफ़ी मैजिकल एक्सपीरियंस रहा यार, मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है जब अच्छे लोग मिलते हैं और नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। इससे पहले अभी छठ पूजा में गए हम लोग इधर बिहार बुद्ध गया, सो ओवरऑल बहुत बढ़िया लगा। It is quite a great experience for me. But right now I am searching for a monk जो कि मुझे कुछ बता सकें और वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकें। आपका नाम क्या है? बिनोय घोष। So कैसा लगा, आप पहली बार आ रहे हो या? नहीं, पहले बार नहीं है, तो अभी एक महीना हुआ है। okay. और दो बार आया और यहाँ पे जो महाबुद्धि महाविहार टेम्पल है बहुत अच्छा है और बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ है और जो मेडिटेशन करने के लिए दूर दूर से आदमी आता है। हाँ। बहुत अच्छा आदमी है, कल्चर भी बहुत अच्छा है थाईलैंड से। कि क्यों आते हैं इतने दूर दूर से, बाहर से लोग आते हैं, तो रीज़न क्या है इसके? तो बुद्धिस्ट कंट्री से जो आदमी आता है। हाँ। वो तो बुद्ध के दर्शन के लिए आता है। मानते हो बुद्ध जी में? हाँ, मानता है, हम बुद्धिस्ट है। ओके, यू आर? हाँ हाँ, बुद्धिस्ट है, हम वहाँ पे दर्शन के लिए और वंदना के लिए जाते हैं हमेशा के लिए। हम कलकत्ता से। कलकत्ता से। ओके, सो ओवरऑल बढ़िया, अच्छा लगा। आप कहीं और भी गए हो, मतलब बुद्ध जी के? और भी सारनाथ गया है। हाँ। जो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बुद्ध ने किया है। हाँ। और कुशीनगर गया जो महापरिनिर्वाण लाभ किया है, और ढुंगेश्वरी गया है। ढुंगेश्वरी में जो बुद्ध जो मेडिटेशन किया था 6 साल। हाँ। और उसके बाद सुजाता टेंपल गया है, सुजाता जो कीर किला आया था बुद्ध का। ओके। वहाँ पे गया। तो कितने टाइम आप इधर रुकने वाले अभी? और भी 2-3 महीने रुकेंगे। हाँ, दो तीन महीने क्या प्लान है आपका, क्या करोगे? वो दर्शन करेगा, अभी संथिंग चल रहा है, संथिंग का अभी जो दूर दूर से आदमी आता है वो संथिंग के लिए आता है। संथिंग है कार्यक्रम जो संगदान कठिन अच्छी बरा वो वर्षाबास होता है, वर्षाबास। ओके। और 3 महीना जो 3 महीना बंते जी ना अधिष्ठान करता है। तो ऐसा जरूरी है कि कोई बुद्धिसी पर्सन ही आ सके, या मतलब कोई भी रिलीजन से आ सकता है? कोई भी रिलीजन आ सकता है। हाँ। जो बुद्ध के दर्शन के लिए कोई भी आ सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, बहुत अच्छा रहा। बाकी लोगों को कुछ बताना चाहोगे आप कि इधर जो जिन, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता था इधर के बारे में। मुझे पता नहीं था बिहार में ऐसा कुछ जगह भी है। हमें भी नहीं पता था, हमें पहली बार हुआ है, पहली बार हम देखने आए, तो पहली बार हुआ है, हमको भी पता। बहुत अच्छा लगा ये टेम्पल, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा, पूरे बिहार में फर्स्ट नंबर पे। थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग बाहर से आते हैं, जिसमें से हमें भी काफ़ी बढ़िया लगा लोगों से मिलके बातें करके। मुझे नहीं पता था इतने सारे टिबेटियन, चाइनीज, जापानीज लोग, थाई लोग हैं। ये तो पूरी जगह उन्हीं से भरी हुई है। तब बुद्ध जी का टेम्पल है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं माइनॉरिटी हूँ अपने इंडिया में रह के, मुझे माइनॉरिटी फील हो रहा था इधर आके मंदिर आके। But it's a good place. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आगे तक बढ़ाओ। वीडियो को लाइक करो, आगे तक बढ़ाओ।